महाराष्ट्र में जहां सियासी पारा लगातार गरमाता जा रहा है, सीएम की कुर्सी की वजह से एनडीए गठबंधन में बड़ी बात ऐसी बिगड़ी कि सरकार ही गठित नहीं हो पाई। बीजेपी है जो 2.5 साल के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, तो वहीं शिवसेना है जो झुकने के मूड में नहीं है, और वो भी तब जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2 दिनों में बनेगी सरकार या सूबे में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। कहते हैं कि इतिहास खुद को जरूर दोहराता है। महाराष्ट्र में भी इस वक्त यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सूबे की सियासत में 1978 का इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है, जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस वक्त सूबे में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तब सूबे में पहली गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई थी, जिसे शरद पवार ने समर्थन दिया था, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1978 के बाद ऐसे हालात कई बार बने, लेकिन स्थिति संभाल ली गई। मगर अब सूबे में फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। दरअसल विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, मगर सूबे में सरकार गठन की तस्वीर साफ होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत तो मिला, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों दलों में ऐसी कलह मची कि दोनों ही दल अपने अपने जिद पर अड़ गए हैं, जिसने महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेल दिया है। आज भी शिवसेना ने तीखे तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ना तो कोई प्रस्ताव आएगा और ना ही जाएगा। जिस प्रस्ताव पर बात हुई थी, जिस प्रस्ताव पर चुनाव हुआ था, उसी पर बात की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी शिवसेना की मांगों पर विचार करने की बात तो कह रही है, लेकिन लिखित आश्वासन देने की बात बोलने से भी बच रही है। पार्टी का कहना है कि शिवसेना प्रस्ताव रखे, उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीएम पद पर कोई बात नहीं होगी। यानी साफ है कि दोनों ही दल अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। अगर आने वाले 2 दिनों में दोनों सियासी पार्टियों का रुख यही रहता है, तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लगना तय है। हालांकि शिवसेना की तरफ से एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया मोड़ आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।